जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्लॉग में। और जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है, आज हम आपको काशी के अन्नपूर्णा क्षेत्र का भ्रमण कराएंगे दोस्तों। और यहाँ पे फ्री भोजन की सुविधा जो मिल रही है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर है यहाँ पे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जस्ट बगल में ही। आप लोग आइए, यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, वहीं पे जस्ट उसके मंदिर के बगल में ही यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलता है, मतलब फ्री भोजन की सुविधा है। दो यूनिटें हैं यहाँ पे, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक फ्री भोजन की सुविधा है। उसके अलावा यूनिट 2 में भी सुबह 6 बजे से नाश्ता मिलता है, उसके बाद भोजन, और रात में भी डिनर रात 10:30 बजे तक चलता है। तो यदि आप बाहर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपको फ्री का भोजन यहाँ पे खाने को मिलेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप यहाँ पे खा सकते हैं, और आपके पास पैसे हैं आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दान दक्षिणा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माता अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं और फ्री भोजन का जो ये सुविधा यहाँ पे मिल रही है उसके बारे में आपको दिखाते हैं, वहाँ के लोगों से बात कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। ये देख सकते हो आप लोग, ये काशी विश्वनाथ का मेन कॉरिडोर है, और बगल में ये देखिए माता अन्नपूर्णा का मंदिर यहाँ पे नज़र आएगा आपको। यहाँ पे कुछ थोड़ा काम वगैरह भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो माता जी का मंदिर। और ये देखिए, ये मेन रोड है, मेन रोड से जहाँ पे एंट्री है वहाँ से आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जो एंट्री है वहीं से आपको अंदर आना है। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम वही उसी काशी अन्न क्षेत्र में, अन्नपूर्णा जो माता जी का अन्नपूर्णा का अन्न क्षेत्र है, जहाँ पर आपको खाना यानी कि प्रसाद फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए, अभी ये मेन गेट है हमारे पीछे, आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है यहाँ पे। बाकी ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यही गेट है, यहीं से हमें अंदर एंट्री लेनी है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या व्यवस्था है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं अंदर चल के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, और यहाँ पर गार्ड साहब बाहर खड़े हुए हैं, चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये गार्ड, ये है मेन, इसका भाई अंदर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये है इधर भोजनालय शाला, सामने नज़र आ रही होगी आपको, यहीं पर भी भोजन वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा भी है, यहाँ पे लिफ्ट के थ्रू आप लोग ऊपर जा सकते हो, ऊपर भी खाना वगैरह मिलेगा। तो ये मेन किचन है इनका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर खाना वगैरह चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर बैठ के सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह यहाँ पर है, इससे बैठ के आराम से आप लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो बड़ा सा ये है हाल। सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ के दर्शन करते हैं हम लोग, क्योंकि इनकी वजह से ही कभी यहाँ पे खाने की कभी नहीं पड़ती है। तो माता जी के दर्शन करते हैं। ये है माता जी, अन्नपूर्णा माता। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और ये देखिए बारी बारी से खाना खिलाया जा रहा है, सब लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी साफ सफाई से व्यवस्था है यहाँ पर, देखिए बाबू जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हेलो, कैसे कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? यहाँ हम लोग यहाँ के निवासी हैं। अच्छा, यहीं के निवासी? हाँ, आते रहते हैं क्या? आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, प्रसाद कैसा है? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, काशी में जो आता है। आप कहाँ से हैं भैया जी? मैं प्रयागराज से हूँ सर। अच्छा, आप यहीं से? प्रयागराज जिला। प्रयागराज से? कैसा है प्रसाद? बहुत अच्छा है। आते रहते हैं क्या आप? पहले से पता था? पता था। तो भैया देख लीजिए, अंदर आ चुके हैं हम अन्नपूर्णा के भोजनालय, यहाँ पे ये आ चुके हैं, और खाने पीने की यहाँ पे सुविधा है। आप लोग आए, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 5 बजे तक आप लोग आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। प्रसाद हम भी ग्रहण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा टेस्ट है, क्या कुछ है, ठीक है दोस्तों। बाकी देखिए साफ़ सफाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी साफ़ सफाई है, बैठने की सुविधा है, मेज वगैरह पड़ी हुई है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, प्रॉपर तरीके से सीट पे बिठा के खाना भोजन कराया जा रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे हमें लगी। चलिए अभी हम भोजन ग्रहण करते ही दिखाते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। ये है थोड़ा सा इस तरह का है हॉल, ये बड़ा सा पूरा सा हॉल, तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे देख लीजिए चेयर वगैरह पड़ी हुई है, प्रॉपर साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आ चुके हैं, अभी चेयर पे बैठ गए, आराम से अभी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपको दिखाते हैं आगे आगे जो कुछ है, जो कुछ मिलता है हमें। तो भाई मज़ा आ गया कसम से यहाँ पर आके, आप लोग आएँ और यहाँ पर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें, ठीक है। चलिए देखिए साफ़ सफाई यहाँ पर प्रॉपर, गुरु जी आ गए हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन मतलब गंदगी नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। Thank you.
तरह से सामने देखिए सबको बिठा के प्रॉपर एकदम पत्ते भोजन कराया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रॉपर एकदम पत्ते में आपको पत्ते में खाना मिलेगा आपको। यहाँ पे कोई प्लेट वगैरह नहीं चलती है, पत्ते का जो है यहाँ पे उसमें आपको खाना खिलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। तो अभी दिखाते हैं हमारे पास भी आते हैं, इधर भी लगा दीजिए, देखिए हमारा पत्ता आ गया। तो ये देखिए हमारा पत्ता यहाँ पे आ चुका है, आराम से इसमें अभी भोजन मिलेगा हमें। भैया पानी आ चुका है हमारा, आप लोग देख सकते हो। एक नंबर का प्रसाद है भाई, सच में मज़ा आ गया खा के। तो आप जब भी आए यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। दोस्तों अभी आपके हम बात कराते हैं, यहाँ पे आदर्श जी हैं जो यहाँ पे संचालन वगैरह देखते हैं यहाँ का, उनसे पूछते हैं टाइमिंग क्या है, नाश्ते में क्या मिलता है, फिर उसके बाद इनकी दूसरी जो यूनिट है वो कितने बजे चालू होती है, सारी जानकारी आपको देते हैं। चलिए आपकी बात कराते हैं आदर्श जी से। तो ये हैं आदर्श जी, हेलो नमस्कार। तो बताइए सर कि मतलब यहाँ की टाइमिंग वगैरह कुछ बताइए ज़रा। सुबह मॉर्निंग में 9 to 5 चलता है। 9 to 5 9 to 5। अच्छा, तो 5 बजे समाप्त हो जाता है? 5 बजे क्लोज हो जाता है। तो खाने में क्या क्या रहता है? सांभर चावल इडली गोश्त, सांभर चावल आपका भजिया हो गया, पापड़ लड्डू अचार थी, और मीठा हो गया जी, मीठा भी। चपाती के अलावा बाकी हर चीज़ रहती है, चावल रहता है, मतलब रोटी चपाती नहीं मिलेगी? चपाती नहीं रही, चपाती के अलावा और चीज़ हर चीज़ रहती है। अच्छा, जो आपकी तो दूसरी यूनिट है वो वहाँ पे, उसमें सुबह नाश्ता कितने चालू होता है, क्या मिलता है नाश्ते में? इडली बड़ा, उपमा चटनी सांभर, पेपर डोसा, मसाला डोसा, और आपका शाम में 6 बजे से रात 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक चलता है जी। अच्छा, इसके लिए किसी से कोई चार्ज तो नहीं लिया? कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं, निशुल्क सेवा है, निशुल्क सेवा है ना जी। अगर कोई देना चाहे अपने से अच्छा से तो वो डोनेशन कर सकता है। अच्छा, डोनेशन कर सकता है, ठीक है। तो बाकी खाना वगैरह यहाँ पे सुबह स्टार्ट हो जाता है, मतलब सुबह नाश्ता, उसके बाद लंच, रात में डिनर, हर चीज़ मिलेगी, किसी से कोई चार्ज? कोई चार्ज। अच्छा, शाम को यहाँ चलता नहीं है? शाम को यहाँ क्लोज रहता है। शाम को कहाँ पे? शाम को आपके मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर के बैक साइड, यूनिट फर्स्ट, ये यूनिट आपका सेकंड है, यूनिट सेकंड है, वहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे शाम को जाते हैं। जी जी। अच्छा, वहाँ पे जाके वहाँ पे शाम का भोजन कर सकता है कोई भी, ठीक है। अच्छा, कोई यहाँ पे आना ना चाहे, कोई प्रसाद ग्रहण करना चाहे, तो उसके लिए कुछ टिफिन उफिन की व्यवस्था नहीं? प्रसाद यहाँ से बाहर नहीं जाता, आप जैसे बालाजी गए होंगे, बालाजी का प्रसाद बाहर नहीं आता है जी, वैसे अन्नपूर्णा जी का भी प्रसाद बाहर नहीं जाता है। मतलब यहाँ आके आप प्रसाद ग्रहण कर सकते जी? प्रसाद ग्रहण कर सकते, ले नहीं जा सकते? ले नहीं जा, यहाँ जितना मर्जी खाइए आराम। जी जी, चलिए ये सही है। एक बार, दो बार, तीन बार, दिन में 4 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आपको एक ही बार खींच दिया जाएगा, 4 बार खाना जाएंगे आपको 4 बार खिलाया जाएगा। चलिए भैया, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए जिससे लोगों का काफ़ी कल्याण होगा। तो हमने अभी आपकी बात कराई आदर्श जी से, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने लोगों के साथ में, जिससे सबको जानकारी मिलती रहे इस अन्नपूर्णा क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर आके भोजन ग्रहण कर सकें ऐसे लोग, खास करके जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं बाबा विश्वनाथ के, उनके लिए मतलब अगर उनको खाना हो तो फ्री में यहाँ पे खाना, नाश्ता, हर चीज़ मिलेगी, लंच, डिनर, सारी चीज़ यहाँ पे आप जितना मर्जी उतना आप यहाँ पे खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों।